हेलो सर, नमस्कार सर। हेलो हाय, हाउ सर, आर यू आई एम गुड सर, हाउ आर यू? अभिषेक? यस सर, एम आई ऑडिबल सर? वेरी वेरी ऑडिबल. आई एम ग्रेट, हैप्पी टू जी, मीट यू अगेन. सेम है सर, सेम है। सो सो या पीपल आर गणेश ज्वाइनिंग, यू बाबू, कैन स्टार्ट इन अ मिनट मे बी। पीपल आर ज्वाइनिंग, यू कैन सी अ कपल हैव ऑलरेडी ज्वाइंड। मे बी या नो नेक्स्ट प्रॉब्लम. मिनट और सो वी कैन डू। सो यू आर बेस्ड आउट ऑफ मुंबई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? या करेक्ट. Great. I think it was. You're based in Delhi, no? I'm based in Delhi. Yes. So what is the story behind the name? You're giving your handle a very very interesting name, Books वाले भैया, या Books वाले भैया, because it's not just it's just not fancy and catchy, but it's right. also got a lot of our culture in it. क्योंकि Yes. we have been taught, हम बचपन से हमेशा, जो हमसे थोड़ा बड़ा होता है, जो हमसे थोड़ा ज्यादा सियाना होता है, उसको हम हमेशा भैया बोलते हैं. The राइट, elder one, या because we it is presumed or it is understood that he or she know better. दीदी दीदी और यस भैया know यस better than us. राइट, So तो आपने जो ये नाम लिखा है, रखा है, बहुत बढ़िया है. बिल्कुल हमारे जो थैंक संस्कार हैं, यू सो हमारे मच जो सर। कल्चर, हमारे जो हिंदुस्तान, भारत के जो संस्कार हैं, उस संस्कार के हिसाब से जुड़ा हुआ है. आपने बहुत अच्छा एक थैंक अपना यू अपने आप को सो नाम मच, दिया है. थैंक यू सो मच। एक्चुअली ओरिजिनल नेम आई वॉज कंफ्यूज बिटवीन किताबी बातें एंड बुक्स वाले भैया। आई डिसाइडेड टू गो नो, विद किताबी बातें मीन्स हम काफी बार बोलते हैं यार, उससे बातें करता है यार, कुछ करता है नहीं, उससे एग्जैक्टली बातें करता है. एग्जैक्टली राइट इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव कि बस कारी बातें हैं इसकी, बस ये बातें सुन लो बस, दैट वे. सो यस आई थिंक दिस बुक वाले भैया इज बेटर, बिकॉज जैसे कि वेन एवर यू ऑल्सो वॉन्ट टू नीड एनी हेल्प और नीड एनीथिंग, यू ऑलवेज अप्रोच राइट समबडी कि भैया थोड़ा ये कर दो यार, थोड़ा वो दे भैया दो सब यार, एग्जैक्टली थोड़ा पहुंचा दो श्योर टू यार, टू दैट वे. सो इट्स एन एक्सेलेंट चॉइस. थैंक यू सो मच। ग्रेट, सो आई थिंक इट्स टू What kind of people follow you? सो आई थिंक पीपल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ आई हैव सीन अ वैरायटी ऑफ पीपल फ्रॉम यू नो कॉमन मैन लाइक मी टू इवन सम ऑथर्स हिमसेल्फ, सम मेनी ऑफ देम आर यंग पीपल, सम ऑथर्स, सम ब्यूरोक्रेट्स एंड डिप्लोमैट्स टू, बिकॉज आई यू नो टॉक अबाउट बुक्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री। सो इट्स अ वेरिड मिक्स ऑफ पीपल, बट अ ओके. लार्ज चंक इज यू कैन से आई वुड से बिटवीन 20-35। इंट माई यूट्यूब चैनल इज वॉच्ड बाई मोस्ट पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 24-35, सो दैट कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट चंक। बट या इट्स यू कैन से ऑल टाइप ऑफ पीपल। ग्रेट, लवली. एंड व्हाट मेड यू रीड नगमे किससे बातें यादें? Well, as you know, I am always fascinated by movies, especially the music, the song, the lyrics. And one thing which I felt is, and I will also discuss in the interview, was that the lyricist often, I noted, does not get that much credit as a musician or the musician gets. We usually associate song with the singer and the musician. So we say कि जिस सिंगर ने अच्छा गाया, that was thing which I always believed. And when I got this book, I realized that okay, someone is finally writing and giving the credit to you know the lyricist as well. Something which I personally felt that you know even the common people like me, they don't associate song with that much singer. The first with the singer, not much with the lyricist. So that's what I always felt. And I thought now at least people are writing. And I remember I was interviewing Satyarth Nayak, who wrote biography of Sridevi. And I discussed the same topic with him, and I talked about your book that it was great to see that you know someone talking about lyricist and poet as such. तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो लोग शायद जैसे वो बैकएंड का काम कर रहे हैं, एंड ऑन द फ्रंट इट्स एक्टर्स एंड ऑल। सो दैट्स व्हाट आई लाइक, एंड ऑफ कोर्स आई रेड द बुक, एंड अनडाउटेडली यू रोट अ वेरी ग्रेट यू नो मेमोयर ऑफ योर फादर। सो लॉट टू नो अबाउट हिम, समथिंग विच पीपल डिड नॉट नो। तो क्या होता है कि जो एक्टर एक्ट्रेस जो गाने गाते हैं, तो दे आर हम तो हमारे जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, वी हैव फाइव सेंसेस. तो यस हम जो गाने हैं वो सुनते हैं और देखते हैं. तो सुनने का जो एब्सोल्युटली जो जरिया है वो हमारे कान है, और वो है आवाज, सिंगर. इसलिए सिंगर आवाज को प्रोमिनेंस मिलता है. प्रोमिनेंस मिलता और गाने को देखने का जो उसका है थ्रू द आईज. तो हीरो हीरोइन गाना गाते हैं बाय एंड लार्ज. है तो एब्सोल्युटली अगेन एब्सोल्युटली दे बिकम द फेस ऑफ द सॉन्ग, दिव्य एंड ऑन फेस द सिंगर बिकम्स द वॉइस ऑफ द सॉन्ग. ऑफ द सॉन्ग इसीलिए ट्रू इस चक्कर में हम लिरिसिस्ट को मतलब सोचते भी नहीं उसके बारे में, सोचते भी क्योंकि नहीं
वो तो ना तो सुनाई देता है ना वो दिखता है, ट्रू यू नो. सो द सिंगर बीइंग द वॉइस ऑफ द सॉन्ग एंड द हीरो एग्जैक्टली एंड द एक्टर्स बीइंग द फेस ऑफ द सॉन्ग, दे एग्जैक्टली नेचुरली गेट अ लॉट ऑफ यस रिकॉग्निशन. एंड आई डोंट थिंक दिस, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनी एक्टर्स स्पीकिंग इन यू नो अ लॉट अबाउट द लिरिसिस्ट, या ट्रू एक्सेप्ट आई ट्रू थिंक सर आई हर्ड समटाइम धर्मेंद्र जी अ लॉट ऑफ टाइम मेंशन आनंद बख्शी एंड अदर लिरिसिस्ट ऑल्सो. आई ऑल्सो रिमेंबर ऋषि कपूर स्पीकिंग अ लॉट अबाउट द लिरिसिस्ट दैट ही इज वर्क विद आनंद बख्शी एंड अदर्स, बट आई डोंट थिंक आई हर्ड एनी अदर एक्टर. सो इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट एक्टर्स यू नो जिस गाने से वो जाना जाने जाते हैं बाय एंड लार्ज, क्योंकि जब एग्जैक्टली एक एक्टर की जब एनिवर्सरी भी होती है, डेथ एनिवर्सरी हो या बर्थ एनिवर्सरी हो या उसका जब जन्मदिन हो, तो गाने ही बजते हैं ज्यादा, थोड़ी उसका कोई सीन दिखाता है, वेरी ट्रू एक्टर के सीन थोड़ी कोई देखता है, वो गाने ही सुनते हैं. येट इट्स दे ट्रू नेवर सर गेट द थॉट कि वी शुड टॉक एग्जैक्टली अबाउट द लिरिसिस्ट, यू नो. इट्स वेरी सैड वेरी एंड ट्रू बट इट्स ओके, दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज एंड दैट्स हाउ यू हैव या टू लिव एंड यू हैव टू जस्ट डू योर वर्क, डू योर ड्यूटी टू योर फैमिली, डू योर ड्यूटी टू योर सोसाइटी, डू योर ड्यूटी टू योर नेशन एंड मूव ऑन. यार और कुछ रखा नहीं है, Absolutely. नोबडी लास्ट फॉर एवर एंड नो नेम लास्ट फॉर एवर. Very true. Very true. Awesome. So, well, great to see so many people joining in, and we have in a way already started. But well, hello यह and स्टार्टेड, welcome. लेकिन अगर अगर आपकी ऑडियंस कहती है कि मैं हिंदी में कहूं तो मैं हिंदी में कहूंगा, अगर वो कहते हैं कि इंग्लिश में लगे रहो तो हम इंग्लिश में लगे रहेंगे. Right. But I think the mix is also fine. I think they should be okay with the audience. I think if we have a mix of English and Hindi. Great. So, okay, there's one interesting comment from Ayushi and Jira, but the soul is lyrics. Ayushi is a poet herself. Oh, okay. You should invite her one day to your channel. Oh, I would love to. Oh, she's a Ayushi poet, Aditya बहुत अच्छा Sharma. लिखती है वो, Oh, great. and her lyrics are very visual. Wonderful. Wonderful. I would definitely, interact with her. Great. So, We have also Sangeeta here. She's a very good singer. She sings very well. Nice, that's really nice. Wonderful. So, And sir, हाँ जी. please go. So, my No, I was just first trying to see question और कौन कौन है इधर. और वैद्य जिंदगी के शैतानी. सफर, प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम. Yes, all those who are watching, please feel free to write in the comment box. We'll be taking that up as well. राकेश जोशी So, इज अ वेरी बिग फैन ऑफ बख्शी साहब फ्रॉम गुजरात. वो गुजरात से आया मुझे मिलने के लिए, एक एक रात के लिए आया था. ही oh, केम ऑल द nice. वे फ्रॉम गुजरात टू मीट मी जस्ट फॉर वन डे, फॉर वन आवर. Wonderful. इमेजिन, एक आदमी एक घंटे के लिए आपको मिलने आता है बम्बई. Wonderful. सो जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो वही समझेगा जो कभी अपनी माँ को खो चुका हो, कभी अपने बच्चे को खो चुका Absolutely. हो, जो अपनी कभी जमीन को Absolutely. खो चुका हो, कोई अपनी महबूबा को खो चुका हो, जो कभी अपने कोई करियर में कुछ कोई उसका शौक, बहुत शौक था उसको कुछ अपने करियर का, एक पर्टिकुलर गोल का, राइट वो ना मिला हो या हाथ से चला गया हो, या कोई दोस्ती हो, बहुत प्यारी दोस्ती हो जो टूट गई हो और कभी रिपेयर नहीं होती. यू नो थिंग्स नेवर गेट रिपेयर्ड, यू नो, बिकॉज इवन व्हेन जब भले आप वापस जुड़ जाओ लेकिन वो क्रैक्स तो देखेंगे. ट्रू ट्रू तो आई वेरी ट्रू थिंक उस गाने के लिखने के वक्त एक एक बख्शी साहब ने कहा था कि जब मुझे ये गाने का सिचुएशन मिला तो ऑफकोर्स मैंने जो मैं जो हम अपनी जमीन छोड़ आए थे पीछे रावलपिंडी पार्टीशन के बाद, वो मुझे याद हमेशा आती है क्योंकि वो तो कभी वापस हमारी जिंदगी में आई नहीं. पार्टीशन हो नहीं गया तो अब हमेशा के लिए हिंदुस्तान, भारत हिंदुस्तान बन गया. एंड फिर उनकी माँ चली गई 5 साल की उम्र में, वो गुजर गई तो वो भी कभी वापस नहीं आई, तो वो भी एक जरिया था गाना लिखने का. ऑफ कोर्स और तीसरा एक था कि जब वो गाने का सिचुएशन उनको मिला तो उनको याद आया कि उनका एक खास दोस्त था जिसकी जिसका डिवोर्स हो गया था, और उसने उसका डिवोर्स हुआ था शक था उसको कि उसकी बीवी का अफेयर चल रहा है, फेयर चल और रहा डिवोर्स होने के बाद उसको जब पता चला कि वो शक था, वो शकी था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, तो वो गया उसको मिलने अपनी एक्स वाइफ को सॉरी बोलने के लिए, यू नो. लेकिन शी हैड ऑलरेडी गॉट मैरिड टू समबडी एल्स, ओके तो उसने सुसाइड कर दिया. ओ उस इंसान ने, उनके दोस्त ने अपने आप को मार डाला, ही कम्प्लीटेड सुसाइड. तो वहां से बख्शी साहब को एक सीख मिली कि
क्योंकि दैट फिल्म स्टोरी इज बेस्ड ऑन शक, उस शक पे ही उनका रिश्ता टूट जाता है हीरो हीरोइन का, और ये गाना फिर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, सब लोग उसे छोड़ जाते हैं। तो वो भी एक क्या होता है कि मैंने ये इसका मैंने जिक्र किया है किताब में, नगमे किससे बातें यादें, जो बख्शी साहब की जीवनी है, लेकिन उसमें मैंने जानबूझ के ये मैंने ऐसे 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 काफी किस्से गानों के बारे में लिखे हैं, क्योंकि लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि एक जो राइटर होता है, लिरिसिस्ट होता है, वो कहीं हवा से थोड़ी कुछ उठा के ले आता है। उसको एक तो पहले फिल्म की कहानी इंस्पायर करती है, इसीलिए बख्शी साहब को जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट देता था कि आप तो लेजेंड हैं, आप तो जीनियस हैं, आप तो बहुत महान हैं, आप तो महात्मा हैं, तो वो हमेशा कहते थे भैया अगर मैं ये सब कुछ हूं तो फिर इसके साथ मेरे जो लिरिक्स, मेरा जो कंपोजर है वो भी मेरे साथ उतना ही महान है, जो जिसने गाना गाया वो भी उतना ही जीनियस है। बिल्कुल और एक बात नहीं भूली आप कि जो राइटर और जो डायरेक्टर ये स्टोरी लाए मेरे पास, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, क्योंकि वहां से इंस्पिरेशन शुरू होता है और फिर आपको कोई अपनी जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस याद आता है और वहां राइट से गाने निकलते हैं। राइट तो ऑफ एक कोर्स बहुत एक जिंदगी जो जिस इंसान ने मैं ये नहीं चाहता कि कोई आदमी बिल्कुल दुखी हो जाए या उस पे पहाड़ टूट पड़े, लेकिन अगर आप पे बार बार पहाड़ टूटा है, अगर आपके आंसू बरसातों की तरह बहे हैं, आपकी खुशियां भी बरसातों की तरह बही हैं, और आपके घर में या दोस्तों में आपने बहुत प्यार आपको मिला है, या बहुत बड़ी दुश्मनी आपने कभी हो गई आपकी किसी के साथ, या आपने खुद की अपनी तरफ से दुश्मनी किसी के साथ, या क्या आपका दिल टूट टूट के अरबों टुकड़े हो गया हो, तो ये सब आपका एसेट है। अगर आप हाँ बिल्कुल लिरिसिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप पोइट बनना चाहते हैं, अगर आप लिरिसिस्ट, मैं तो कहता हूं अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं ना, क्योंकि हर हर मौके पे आपको कहीं ना कहीं आपका पास्ट का रेफरेंस काम आएगा, क्योंकि एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वही आपके एक तो आपके पिलर होते हैं माँ बाप, जो आपके पिलर होते हैं, जो आपके खंबे होते हैं जिंदगी के, फिर राइट होते हैं आपके सिबलिंग्स, भाई बहन, अगर भाई बहन हैं तो, फिर होता है आपका नेक्स्ट पिलर आपका समाज, ट्रू भले आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या कैथलिक हैं या जू हैं, तो आपका जो समाज है वो आपका पिलर होता है, क्योंकि उनके दम पे ही बिल्कुल आप आपके समाज के दम पे भी आप काफी डिसीशन ले सकते हैं, बिल्कुल और उसके बाद होता है बहुत बड़ा पिलर आपका आपके एक्सपीरियंसेस, राइट वो नो नो जिंदगी भर दैट्स आपको ट्रू खड़ा 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 रखते हैं। बिल्कुल एंड आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट के लिए जो उसके जिन सर्कमस्टेंसेस से हो रहा है, जैसे आपने मेंशन करा कि उन्होंने अपनी मदर की डेथ देखी बहुत यंग एज में, पार्टीशन देखा, किस तरह से उनको अपने लैंड से हटना पड़ा, वो डेली है, डेली में भी कई जगह रहे जैसे आपने बताया, एंड ही फाउंड हिज कॉलिंग, उन्हें आर्मी ज्वाइन करा, तो बहुत से अप्स एंड डाउन आप उनकी लाइफ में रहे, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक एक खास तौर पर एक आर्टिस्ट के लिए वो उसके वर्क में वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट रहता है, बट और इसके इसका एक ऑपोजिट साइड भी है, इसका एक ऑपोजिट भी है, क्योंकि हर चीज का एक ऑपोजिट होता है, राइट मीठा है तो कड़वा भी है, मोटा है तो कड़वा भी पतला है भी है, लंबू है तो छोटू भी है, काला है तो गोरा भी है, तो उसका भी एक ऑपोजिट है। इसका ऑपोजिट क्या है कि किसी ने बख्शी साहब को एक बार कहा कि बख्शी साहब आपने तो कब 3,500 गाने लिखे हैं करीब, और 3,500 गानों से कम 3,000 गाने तो रोमांटिक गाने हैं, क्योंकि हमारे फिल्म में बनती तो बिना रोमांस की तो फिल्म बनती नहीं है, नहीं क्योंकि है बिना रोमांस के आप क्या जाओ क्या जाओगे देखने के लिए, व्हाट व्हाट इज देयर ट्रू टू सी, यू नो, इफ देयर इज नो लव स्टोरी, नो रोमांस और नो राइट रिलेशनशिप, यू नो, तो आपकी जिंदगी में तो बड़ा रोमांस होगा बख्शी साहब, क्योंकि आपने तो बड़े रोमांटिक गाने लिखे हैं। ये शायद देखिए सच बात यह है कि अगर मेरी जिंदगी में बहुत रोमांस होता ना, तो मैं शायद ये ऐसे गाने कभी लिख ही नहीं पाता, ठीक है क्योंकि ना आपको जब तक भूख नहीं होगी आप खाना क्यों यस खाओगे, यस आपको जब तक प्यास नहीं लगेगी आप पानी क्यों पियोगे, आपको जिस चीज की जरूरत होती है ना, जिस जो चीज आपके लाइफ में कम होती है, आप उसकी उसी को चाहोगे सबसे ज्यादा, ट्रू चाहोगे बहुत सारी चीजें हैं चाहने के ट्रू लिए, लेकिन जो चीज बहुत आपकी जिंदगी में कमी हो जिस चीज की, उसको आप सबसे प्यारी है। जैसे होता है कोई बच्चा होता है जो आपके चार बच्चे, दो तीन बच्चे हैं या दो बच्चे हैं, और एक बहुत आगे निकल जाता है और एक पीछे रह जाता है, तो जो आगे निकल जाता है वो उसको आप खुश होते हो कि वो आगे निकल गया है, लेकिन जो पीछे रह जाता है ना वो आपको बहुत प्यारा हो जाता है, दैट्स ट्रू सबसे दैट्स वेरी प्यारा वो होता है, सबसे प्यारा आपका वो होगा
जो अपने सपने पूरे नहीं कर सका। ट्रू, वेरी तो ट्रू. वैसे ही जो चीज आपको थोड़ी कम मिलती है जिंदगी में, आपको उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी और उसकी बिल्कुल चाहत आपको रहेगी हमेशा। पेट रहेगी. भर गया तो इनफैक्ट क्या, जिस अरे जब हमारा पेट भर जाता है हम रोटी भी नहीं एग्जैक्टली जाती अंदर यार, एग्जैक्टली एक ग्राई जो भी जाती है, हम जिसको सो एक ग्राई भी छोड़ देते हैं। छोड़ दे, जिसको नहीं मिलता वो शायद वैल्यू को बेटर अप्रिशिएट कर सकते हैं क्योंकि उसके पास वो नहीं है. जब आप होते इसलिए हैं आप उसको फॉर ग्रांटेड दे देते हैं. बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं ना कि थोड़ी भूख छोड़ दिया करो, पेट भर के छोड़ मत दिया खाया करो. करो कभी भी, थोड़ी भूख छोड़ दिया करो। तो आई थिंक एज अ राइटर ऑल्सो, आपको अगर प्यार बहुत मिल रहा है तो थोड़ा कम मिले तो यू विल बी ए बेटर यस, राइटर। नो नो बहुत मिले तो एब्सोल्युटली अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, हम तो खुश होंगे आपके लिए, बट लेकिन ट्रू. वो जो थोड़ी कमी रह जाती ना, वही आपको राइटर बनाती है, वही आपको कंपोजर बनाएगी ट्रू, और सही वही बात, आपको कॉर्पोरेट में भी सीईओ बना देगी। क्यों, जब एब्सोल्युटली जब आपके पास कोई गोल ही नहीं है तो आप घर से निकलोगे क्यों? एब्सोल्युटली यू नीड अ गोल ना, बिल्कुल बिल्कुल हर चीज के लिए एंड गोल चाहिए ना। एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक आपके फादर की लाइफ भी एज ए रेड इन द बुक ये बहुत बहुत एप्लीकेबल है बिकॉज ही लेफ्ट यू नो अ जॉब इन द आर्मी. एंड आई थिंक जैसा हम द बुक में मेंशन करो उनके फादर इन लॉ दे वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ यू नो ही लीविंग अ सेफ जॉब एंड अ प्रेस्टिजियस जॉब टू फॉलो हिज पैशन. तो उन्होंने एक रिस्क लिया एंड ऑफकोर्स उनमें वो टैलेंट था कि वो कामयाब हुए. लेकिन जैसा भाई आपने कहा कि शायद आप उसको रिस्क लेना पड़ता है ऑफकोर, आप शायद अप्रिशिएट भी तभी कर पाएंगे क्योंकि वो तो उनको मिल गया था बट एक चीज उनके सामने नहीं थी. एंड उनके स्ट्रगल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं जैसा कि बुक में, तो ही स्ट्रगल्ड और ऐसे नहीं उनको बम्बई में जाके सब कुछ बहुत इजीली मिल गया और उन्होंने कहा कि देखो इजीली हो गया, बट ही स्ट्रगल्ड अ लॉट विच इज ऑफकोर्स वेरी इंस्पायरिंग. There's a very nice line he has said, उनकी एक बड़ी अच्छी लाइन है, इंग्लिश में लिखी है मैंने, कि टू हैव अ ड्रीम इज रिस्की इज रिस्की ऑफकोर्स, बट टू नॉट फॉलो इट इज डेंजरस। इज डेंजरस, वेरी ट्रू. अगर आपने आपने अगर कोई सपना नहीं देखा है, अगर आपने कोई सपना देखा है तो वो डेंजरस है, मतलब रिस्की है, पता नहीं क्या होगा। आप उस सपने की तरफ जाओगे, आप शायद गिर जाओ, आप शायद डूब जाओ, आप शायद तो इट इज लिटिल रिस्की, पता नहीं क्योंकि आपको सपना पूरा का होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास सपना ही नहीं है, यू हैव नो ट्रू, गोल इन लाइफ, यू हैव नो एम्बिशन इन लाइफ, दैट इज डेंजरस, इट्स ट्रू, वेरी ट्रू, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू रीच नोवेयर। एग्जैक्टली. एंड योर फादर डेफिनेटली यू नो इज एज द बुक सजेस्ट डिड हैव अ ड्रीम. ही मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स बिकॉज यूजली यू नो वॉट हैपन्स पीपल लाइक अस हुआर से नॉट इन दैट फील्ड, हमें लगता है कि इफ समवन इज सक्सेसफुल तो उनके लिए बहुत ईजी था कि देखो गाने लिखने हैं, एक्टिंग ही करनी है, आप इतने टाइम से कर रहे हो, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कुछ भी एनीथिंग ये हो जाता है. बट दैट वॉज डेफिनेटली नॉट द केस एज यू लर्न इन द बुक हाउ मच स्ट्रगल ही हैड टू पुट इन, हाउ मेनी रिजेक्शंस ही फेस्ड. एंड दी आयरनी इज दैट, जो मेरे ख्याल में कुछ 15 साल का बहुत चैलेंजिंग पीरियड था उनका, बहुत चैलेंजिंग, राइट, गरीब गरीब गरीबी भी बहुत थी और चैलेंजिंग भी बहुत था। लेकिन हैरत की बात है, और फैक्ट, जो फैक्ट है जिंदगी का, जो फैक्ट होता है, फैक्ट ये है कि आफ्टर ही गॉट सक्सेस, उन्होंने कहा कि मुझे सक्सेस मिलने के बाद पता चला कि स्ट्रगल क्या होता है। स्ट्रगल क्यों? क्या होता है. ट्रू, क्योंकि उनको महसूस हुआ कि यार जो जो भी लोग कहते हैं कि मैंने स्ट्रगल किया था 10-15 साल यहाँ आने आने से पहले, जब मुझे सक्सेस मिली, उस सक्सेस को बरकरार रखने के लिए जो मुझे मेहनत करनी पड़ी, दैट वाज 10 टाइम्स 100 टाइम्स मोर देन व्हाट द एफर्ट्स आई मेड व्हाइल आई वाज स्ट्रगलिंग। तो जो लोग एब्सोल्युटली सोचते हैं कि स्ट्रगल ही सबसे टफ होता है, उनको जब उनको सक्सेस कोई भी चीज में आएगी ना, तो आप उस सक्सेस को मेंटेन करके रखना 42 इयर्स, आप मतलब आपको महसूस होगा फिर कि यार वो तो कुछ नहीं था भाई, जो शुरुआत में एब्सोल्युटली हमने स्ट्रगल की वो तो कुछ नहीं था, अब अभी हम एब्सोल्युटली सीईओ बन गए हैं, अब सीईओ बने रहे हैं, यही स्ट्रगल, वो मतलब आपके बाल भी गए, मेरे जैसे बाल भी सब गिर जाएंगे आपके, नो मीनिंग दैट दैट्स ट्रू. इट इज नॉट ओवर। पीपल थिंक कि यार स्ट्रगल हो गया, अभी गाड़ियां हो गया गाड़ियां तो आ गई, घर आ गए, बख्शी साहब का घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, नौकर चाकर भी आ गए, सब कुछ हो गया, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, फीस भी अच्छी भर रहे हैं स्कूल में सब जगह। लेकिन उनके लिए 100 टाइम मोर स्ट्रगल था कि अब इसको मेंटेन, इस नाम को मेंटेन करके रखूं, क्योंकि लोग मेरे एब्सोल्युटली पास आते हैं एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं,
तो अगर मैं एक अच्छा गाना नहीं लिख के दूंगा तो उनका एक्सपेक्टेशन ही नहीं टूटेगा लेकिन उनका पैसा वेस्ट हो जाएगा, जो जो उन्होंने मुझे एब्सोल्युटली एक एक दाम दिया है। क्योंकि जब मुझे जब मैं गाना लिख के देता हूँ तो उसको मुझे पैसे मिलते हैं, उसका मैं एक दाम उसका एक दाम होता है, आई चार्ज अ फी फॉर दैट। तो कि उनको 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 अपना क्या बोलते हैं पूरा उनका पैसा वसूल होना चाहिए जब वो मेरे पास आते हैं, बिल्कुल मतलब उनका दे शुड बिल्कुल गेट द मनी इज वर्थ। तो मुझे राइट ऐसा गाना लिख के देना है कि शायद चल जाए, क्योंकि चले नहीं चले वो तो किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि फिल्म की भी एक डेस्टिनी होती है खुद, जैसे कि हर एक गाने की डेस्टिनी होती है, एक फिल्म की भी एक डेस्टिनी खुद फिल्म की डेस्टिनी। प्रोडक्शन है या सो दैट इज द थिंग दैट पीपल शुड रियलाइज दैट इट इज नॉट जस्ट अबाउट द इनिशियल स्ट्रगल, द स्ट्रगल राइट लेटर ऑन इज परहैप्स, मैंने तो देखा नहीं ऐसा स्ट्रगल तो मैं तो बोल नहीं सकूंगा, लेकिन व्हाट बख्शी साहब सेड वाज इट वाज 100 टाइम्स मोर डिफिकल्ट आफ्टर सक्सेस टू रिमेन सक्सेसफुल। एब्सोल्युटली एंड यू और ऑल्सो शुरू का लाइक सर शुरू का स्ट्रगल तो 10-15 साल का था, 10-15 साल के ट्रू सक्सेस सक्सेस मिलने के बाद ही वाज राइटिंग सॉन्ग्स फॉर नेक्स्ट 35 इयर्स। ट्रू तो वेरी व्हाट इज ट्रू दैट, दैट इज मच मोर देन 15 इयर्स। नो, ट्रू ट्रू वेरी ट्रू 35 इयर्स एंड ऑल ऑफ कीपिंग योरसेल्फ ऑन टॉप अमंग द टॉप थ्री, बिल्कुल ऑलवेज बिल्कुल अमंग द टॉप थ्री। ट्रू एंड आप अपने आई कुड काम से एक तरह का अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं, वो स्टैंडर्ड आपको मेंटेन रखते हैं बिकॉज पीपल हाँ लोग आनंद बख्शी जी लिख रहे हैं दैट्स तो वो व्हाई। ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। हाँ क्योंकि इसलिए मैंने देखा है कि कभी कभी ऑलमोस्ट हमें तो पता भी नहीं, हमारा हमें स्कूल में संडे को छुट्टी होती थी तो हमें पता चलता था कि आज संडे है, लेकिन फॉर माय फादर संडे हो या मंडे हो गाना लिखना है। गाना भाई किसने लिखना पैसा दिया है मेरे को, उस पैसे का उसको मनी इज वर्थ देना है। तो हमने तो कभी एब्सोल्युटली अपने डैडी को सुना नहीं बोलते कि आज तो संडे है, आज तो मैं आराम करूंगा, या आज मेरा मूड नहीं है। या मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार मैं उन्होंने मुझे कुछ खास काम दिया था करने के लिए, मैंने नहीं किया, तो उनको पूछा उन्होंने मेरे को 3-4 दिन के बारे, तो वो क्या हो उसका, तुमको मैंने बोला था वो काम पूरा करके आओ, करके कर करके कर, कर, ले आ, कर करो, क्या हुआ उसका? ऐसे मैंने अभी तक हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया? ऐसे मेरा मूड नहीं था। इसे देखो हाँ बेटा, अगर जिस दिन मेरा मूड नहीं होगा ना ये किचन बंद हो जाएगा, ये जो किचन चल रहा है ना ट्रू ये चल रहा है क्योंकि मैंने कभी मूड की परवाह नहीं की। ये क्या तुमने नया ट्रू सी, ये तुम्हारे जनरेशन में मैं नया सुन रहा हूँ मूड मूड। हम तो जब छोटे थे बच्चे थे आर्मी में थे नेवी में थे गाने लिखते थे, हमको तो कभी किसी ने बताया नहीं कि आज मूड नहीं है यार, कल यू नो हम तो जो जरूरी है जो जरूरी है वो करना है, मूड की क्या बात होती है इधर। और उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही थी कि बंबई शहर में खड़े होने के लिए दौड़ना पड़ता है, बिल्कुल किसी भी शहर में दिल्ली शहर में खड़े होने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा तब आपकी औकात एब्सोल्युटली बनेगी वहां खड़े होने के लिए। तो बिल्कुल आई मीन आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे ऐसे डैडी मिले, ऐसी माँ मिली, ऐसी फैमिली मिली जिन्होंने मुझे हमेशा डांटा भी और एक साथ में सीख भी मुझे मिली कि चीजों को कैसे वैल्यू की जाती है। एब्सोल्युटली एंड आई थिंक जैसा इफ इवन गो रीड जो बुक एक बहुत उन्होंने एक डिसिप्लिन्ड लाइफ और एक बहुत एक प्रोफेशनल वे में अपने करियर को उन्होंने हैंडल करा, जैसा कि आपने कहा कि वाज नॉट समवन हु एवर टुक हिज जॉब लाइटली, जैसा कि आपने कहा भी उनकी नो नो कमिटमेंट जो नो रखती थी हमेशा। इन फैक्ट ही कन्फेस टू मी व्हेन आई ज्वाइन द इंडस्ट्री, जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन किया एज अ राइटर, ही टोल्ड मी देखो बेटा तुमको बहुत बार लगेगा ना कि ये तुम लिख नहीं सकते, कि तुम में वो टैलेंट ही नहीं है, या तुम इस प्रोजेक्ट में फेल हो जाओगे, या तुमसे ये स्क्रिप्ट लिखी नहीं जाएगी, या ये तुम फिल्म बना ही नहीं सकोगे। तो इसे तुमको ये फीलिंग शायद रोज आए, तो ऐसा राइट रोज आए रोज आई थिंक। हाँ कभी कभी ये फीलिंग रोज आती है और आपको तुमको इस फीलिंग से लड़ना पड़ेगा, ये रोज की एक 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 युद्ध है जो तुम्हें रोज लड़ना है अपने आप से, यू नो, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे तुम्हारा कोई दोस्त या तुम्हारा कोई पड़ोसी या तुम्हारा कोई कोई बाजू के देश वाला नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम ही हो, यू तुम्हीं आर योर बिगेस्ट एनिमी, राइट यू नो। राइट एंड वी ह्यूमन बींग्स आर फुल ऑफ सेल्फ डाउट एंड लैक यस ऑफ कॉन्फिडेंस। और मैं यस ये खुद कह रहा हूँ क्योंकि मुझे हर गाना लिखने से पहले जब मैं स्टोरी सुनता हूँ फिल्म की, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बड़ी मुश्किल स्टोरी है यार, इसमें तो बड़े प्लॉट्स हैं, इसमें तो बड़े कैरेक्टर्स हैं, बड़ी अलग चीज है, अभी इसमें कैसा लिखूं मैंने, अभी पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर ये इस इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये फीलिंग मुझे हमेशा आई है, तो अगर ये फिल्म मुझे आ सकती है
जिसको लोग कहते हैं कि तो आप तो जीनियस हो, आप तो लेजेंड हो, आपने तो 3,500 गाने लिख दिए. तो अगर मुझे ये थॉट रोज आ सकता कि यार मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो मुझे कैसे लिखूंगा यह गाना, ये तो बड़ा मुश्किल सिचुएशन है. लेकिन यही आपको तुमको तुमको इसी थॉट, यही जो अब तुम्हारी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, राइट लैक ऑफ, यही आप तुमको फ्यूल करेगी, यही तुम्हारा पेट्रोल बिल्कुल है, यही तुम्हारा गैस है. अगर तुम में ये नहीं है तो तुम लिख ही नहीं पाओगे. तुमको लगेगा मैं तो, मेरे को तो सब आता है. तुम तो जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं तो सब आता है, ये तो बड़ा ईजी है, तुम फेल हो जाओगे. तो बिल्कुल ये थॉट बहुत जरूरी है. अगर तुमको अच्छा काम करना है तो यू शुड ऑलवेज बी फुल ऑफ सेल्फ डाउट, राइट लेकिन फ्रॉम दैट सेल्फ डाउट विल बी बॉर्न कॉन्फिडेंस. राइट तुम तब हार नहीं मानना. आदि ये मान नो नो अगर दैट्स वेरी ट्रू ये थॉट अगर मुझे आ सकता है 3,000 गाने लिखने के बाद, तो ये तुम तो अभी तो शुरू कर रहे हो अपनी जिंदगी. शुरू कर ऑफ कोर्स तो ये ही सेड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट फील दिस इवन आफ्टर यू गेट सक्सेसफुल, यू मस्ट हैव दिस ह्यूमिलिटी. नो वेरी ट्रू वेरी ट्रू ये साधारणपन, मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, सिंप्लिसिटी को, हम ह्यूमिलिटी को, यू नो दिस ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल फॉर फॉर इवन इफ यू आर सक्सेसफुल. एब्सोल्युटली आपने एक एस्पेक्ट की बात करी बुक में जैसे कि ऑल्दो ही रोट मेनी ग्रेट सॉन्ग ही गॉट मेनी नॉमिनेशंस वी गॉट क्वाइट लेस अवार्ड्स एंड इन वन वन और टू टाइम्स इट हैपेंस ही वाज डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग अवार्ड आई थिंक फॉर मिलन एंड देन फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे राम राम करे करे ऐसा ऐसे हो जाए. दैट इज माई फेवरेट ऑल्दो सर रोट अमेजिंग सॉन्ग्स बट दिस इज माई फेवरेट जो भी अरेंजमेंट लिखी है ही ऑलवेज फेल्ट कि अगर इस गाने को फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिल सकता तो मुझे इसके बाद कोई अवार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि आई राइट डोंट थिंक मैं अपनी जिंदगी में इससे अच्छा गाना कभी भी लिख ट्रू पाऊंगा. तो फॉर हिम हिज बेंचमार्क वाज कि अगर इस गाने को अवार्ड नहीं मिल सकता तो फिर मुझे अवार्ड चाहिए नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक आई कैन बेटर दिस सॉन्ग. इससे अच्छा तो मैं राइट कभी जिंदगी में लिख नहीं पाऊंगा. सो दैट इज द रीजन व्हाई ही डिडंट, उनको फिर अवार्ड ही डिडंट बॉदर. इसे मैं काम करने आया था यार, मैं इधर अवार्ड अवार्ड लेने नहीं आया था, मुझे काम चाहिए. एंड ये खासियत उसमें उनके उनमें भी थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में उनमें भी ये खासियत थी कि भैया हम तो काम करने आए हैं इधर. क्योंकि मुझे सुभाष घाई साहब ने बताया था, मिस्टर सुभाष घाई, जिनके साथ मैंने 8 साल काम किए, मिस्टर सुभाष घाई टोल्ड मी कि अरे यार तुम्हारे डैडी अलग ही इंसान थे. मैंने कितनी बार तुम्हारे डैडी को बोला कि बख्शी साहब मैं आपको ज्यादा पैसे देने को रेडी हूँ, हर एक फिल्म मेरी आपके साथ चली है, चली क्या है, सुपर डुपर हिट हुई है. बिल्कुल बिल्कुल हर एक टाइम मैंने आपको आके कहा है कि बख्शी साहब अब मैं आपको थोड़ा ज्यादा पेमेंट करूंगा, आप थोड़ा भाव बढ़ाइए. आप भाव नहीं बढ़ाते, क्यों नहीं बढ़ाते आप भाव, हम देने को रेडी हैं. तो ही सेड कि योर फादर टोल्ड मी, बख्शी साहब टोल्ड मी, देख सुभाष मैं भाव बढ़ाऊंगा तू मुझे पैसे दे देगा, तेरे पास पैसे बहुत हैं, तू तो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तेरी तो हर फिल्म चलती है, हर फिल्म चली है. राइट लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जो सुभाष घई नहीं है, ट्रू जो यश चोपड़ा नहीं है, वो कहां से देंगे. और जब उनको पता चलेगा ना कि मैंने भाव बढ़ा दिया है और सुभाष घई से मैं ज्यादा पैसे ले रहा हूँ, यश चोपड़ा से ज्यादा पैसे ले रहा हूँ, तो या तो वो बोलेंगे भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है, या वो आने से शर्माएंगे कि नहीं यार बख्शी साहब राइट तो अभी ज्यादा लेते हैं, करेक्ट हम क्या मुंह से जाएं उनके सामने. किस्मत से तो उससे राइट क्या होगा, उससे नुकसान मेरा होगा, मुझे काम कम राइट मिलेगा. और मैं इस इंडस्ट्री में तुम्हारे साथ काम करने नहीं आया था, ना तो मैं यश चोपड़ा के साथ काम करने आया था. तुम लोग मेरी जिंदगी में आए जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में आया. हम थैंक आए यहाँ गाने लिखने, हम गाने लिखने आए थे इधर. एंड द सेम आंसर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गेव हिम व्हेन सुभाष गया टोल्ड हिम यार अपना प्राइस बढ़ाओ, मैं ज्यादा पैसे देने को रेडी हूँ. ये सर सुभाष जी हम इधर काम करने को आए हैं, पैसे जो है ना वो बोनस है. आप बताओ गाना क्या, कौन नेक्स्ट गाना क्या बताइए, आप ये पैसे उनकी बात मत कीजिए आप. तो यू सी दी उनका जो थिंकिंग था ना, दैट जनरेशन थिंकिंग वाज हाँ ठीक है पैसा तो जरूरी है, किचन चलाना है भैया, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, शादी करानी है बच्चों की, तो ठीक है. लेकिन यू सी द फोकस वॉज नॉट भाव बढ़ाओ, ट्रू फोकस ऑफ काम बढ़ाओ. हम काम करने आए इधर यार, हम अपना देश छोड़ बिल्कुल के आए थे इधर काम करने के लिए. काम करने के लिए
तो ये लोग इन 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 लोगों की खासियत क्या है? इन लोगों की खासियत ये है कि इतना सक्सेस मिलने के बाद ये भटके ही नहीं, फोकस्ड बिल्कुल बिल्कुल रहे, फोकस्ड। पैसा आ एंड गया, इनफैक्ट गाड़ियां आ गई, प्रूफ काम मकान आ गया, लेकिन हम काम करने आए थे भाई इधर, करने, बिकॉज आई थिंक स्पेशली ये इन कभी फिल्म नहीं इंडस्ट्री भूलना। इट्स वेरी इजी टू एक्चुअली लूज फोकस बिकॉज पीपल गो आफ्टर द ग्लैमर। तुमको लगता है कि ग्लैमर के लिए लोग जाते हैं, और ऐसे कह पाना, ऐसे उस चीज को फॉलो करना अपने लाइफ में, प्रैक्टिस करना कि मेरे लिए मनी उस पे में सेकेंडरी है, मैं काम कर रहा हूँ, डूइंग व्हाट आई लाइक टू डू। आई थिंक बहुत बहुत ही कम लोग होंगे जो वास्तव में इस चीज को डेफिनेटली फॉलो कर पाएंगे, जैसे हर कोई अट्रैक्शन के इसलिए लिए जाते हैं फिल्म इसलिए इंडस्ट्री में। इसीलिए देर इज ओनली वन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, देर इज ओनली वन एब्सोल्युटली आनंद बख्शी, देर इज ओनली वन एब्सोल्युटली साहिर, देर इज ओनली वन मजरू, देर इज ओनली राइट, वन शैलेंद्र। थोड़ा ट्रू ट्रू वेरी ट्रू। अलग सो तो होना चाहिए ना। हाउ डू यू सी, जैसे आपने अपने फादर का टाइम देखा, अपने बड़े लिरिसिस्ट और कई ऐसे एक्टर्स प्रोड्यूसर्स सबसे आपका किसी न किसी आई एम श्योर टच में रहे होंगे, आप उस जमाने को समझिए आज से 30-40 साल पहले जब आपके फादर एक्टिवली फिल्मों में थे, और आज के टाइम को जब फोकस ज्यादा एक वो 100 करोड़ 200 करोड़ क्लब पे और इस सब चीजों पे हो गया है, हाउ डू यू सी द डिफरेंस? और कैसे आपके फादर, बिकॉज बाय द टाइम योर फादर वॉज एक्टिव थिंग्स वर चेंजिंग, म्यूजिक वगैरह में भी वो फास्ट नंबर्स पे फोकस और लिरिक्स की डेप्थ वाली बात धीरे धीरे कुछ हद तक खत्म हो रही थी। जैसे हम 80s के गाने 70s के गाने देखें तो थोड़ा सा बदलाव आ रहा था, तो आप और आपके फादर कैसा देखते हैं उस टाइम को और आज के टाइम को? सो व्हेन बख्शी साहब वाज अलाइव समवेयर इन द 90s, 1990s, दे आस्क्ड हिम, समबडी आस्क्ड हिम सिमिलर क्वेश्चन कि बख्शी साहब आप जब इधर इंडस्ट्री में आए थे 60s, राइट 70s, क्या गाने लिखे हैं आप लोगों ने, आपने, शैलेंद्र ने, मजरू ने, क्या हो गया? ट्रू ट्रू आपके भी काफी फिल्मों के गाने हमें लोगों को हमें पसंद नहीं है। एब्सोल्युटली ऑफकोर्स बहुत फिल्में चली बख्शी साहब की, दिलवाले दुल्हनिया चली 90s में, दिल तो पागल है चली, लम्हे चली, डर, आई मीन सो मेनी मूवीज यार, आई मीन सुभाष जी की हर फिल्म चली है। ऐसा तो ऐसा नहीं है कि उनकी फिल्म नहीं चली, लेकिन बहुत सारी फिल्में के गाने नहीं चले, और अदर लिरिसिस्ट ऑल्सो। तो ऐसा माहौल, सिमिलर क्वेश्चन था कि आजकल के गाने में दम क्यों नहीं है। तो बख्शी साहब ने थोड़ा सोचा इसके बारे में, क्योंकि क्या होता है ये चीजें कभी कभी सवाल ऐसे होते हैं, आदमी घर पे बैठ के सोचता नहीं कि क्या सवाल आएगा आगे से। राइट राइट तो इसे देखिए, आप जब छोटे थे और आप अभी, आप बचपन, आपने बचपन के बारे में सोचिए, मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे को लगता है यार हवा बदल गई है, हवा की क्वालिटी राइट बहुत खराब हो गई है। राइट जब मैं दूध पीता हूँ चाय में, तो मुझे लगता है कि दूध में मलाई कम है, मतलब वो लाइक मलाई क्रीम ही नहीं है, मलाई क्या क्रीम नहीं है, मतलब वो जो नहीं फैट फैट उसमें जो फैट कंपोनेंट है वो बहुत कम हो गया है, पानी पानी हो गई है चाय, अपना दूध भी पानी पानी सा हो गया है। फिर जब घी आता है घर में, रोटी बनती है, तो मुझे लगता है यार घी में टेस्ट ही नहीं है, जो हम टेस्ट दिल्ली नहीं में घी खाते थे, हम जम्मू में घी खाते थे, वो तो अलग ही घी था। जब हम टमाटर देखते हैं मार्केट में जाके, जब मैं जाता हूँ कभी कभी मार्केट देखता हूँ, टमाटर का तो अजीब ही कलर है। जब राइट मैं सेब लेने जाता हूँ, मुझे लगता है सेब ही बड़ा रुखा सुखा सा लगता है, दुखी है साला, पता नहीं क्यों बिकने आया मार्केट में, इतना दुखी लग रहा है बेचारा, मतलब मैं जन्म ही, मुझे लगता है सेब को देख के शर्म, सेब सोचता हूँ कि मैंने जन्म ही क्यों लिया। तो ट्रू इसे कि ट्रू वेरी जब ट्रू जब और देनी सेड के देखो दोस्तियां, जब हमारे जमाने में दोस्त होते थे, जान देते थे एक दूसरे पे, अभी तो दोस्त बैठा है भाई, कब गिराऊं मैं दूसरे को। तो इसे ट्रू जब वेरी ट्रू हर हर एक चीज की क्वालिटी गिर गई है, तो आप कैसे चाहते हैं कि फिल्मों की क्वालिटी बनी रहे, गानों बने रहे की क्वालिटी बनी रहे, लिरिक्स की क्वालिटी बनी रहे, जब वेरी हर ट्रू एक चीज, टमाटर से लेके दूध, गाय का दूध, गाय माता, गौ, हम गाय को माता समझते हैं, अपाई अपाई लेकिन तुम जब जब उसका बेचारी का चारा ही इतना कमजोर हो गया है, तो कमजोर आता दूध है कहाँ से आता है यार? दूध चारे से आएगा ना, जो हम, जो हम ओटा भी टुडे, हम जो हमारा जो खुराक होता है, हम वही बनते हैं ना। वेरी अब ट्रू अफ्रीका में चले जाओ, कोई छोटे से गांव में चले जाओ, वहां जो बहुत गरीबी है, उनका उनका उनके उनके चेहरे पे देयर इज नो शाइन, क्योंकि वो माइक्रो न्यूट्रिशन ही नहीं है ना, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं उनको बराबर, ना उनको बिल्कुल बिल्कुल प्रोटीन मिल रहा है, ना उनको फैट मिल रहा है, तो कहाँ से वो स्किन में शाइन आएगा? तो सेम फॉर अ सॉन्ग। सो आई वेरी थिंक ट्रू अगर अगर आज के गाने में, अभी आपका भी सवाल वही है जो 1990 में बख्शी साहब का सवाल, सिमिलर सवाल, कोई डिफरेंस राइट नहीं है सवाल में,
वही सवाल आप 20 साल के बाद कर रहे हैं आज मेरे से, तो आई फील उसका जवाब वही है कि व्हाट इज अ लिरिसिस्ट? लिरिसिस्ट इज हियरिंग अ स्टोरी, रिएक्टिंग. इफ द स्टोरी इज नॉट इंस्पायरिंग हिम, व्हाट इज ही गोइंग टू रिएक्ट टू? आपने मुझे अच्छा सवाल पूछा तो मैं अच्छा जवाब दे रहा हूँ ना. आप मुझे फालतू बेकार सवाल करेंगे तो मैं कहां से आपको अच्छा सवाल ढूंढ के दूंगा? बिल्कुल. द होस्ट इज एज इम्पोर्टेंट एज द गेस्ट. एज द गेस्ट. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. एंड एज अ फादर, द स्टोरी ऑफ अ फिल्म, द स्टोरी ऑफ द फिल्म, स्टोरी से गीत बनता है. यस, बिकॉज ही इज अ फिल्म फिल्म लिरिसिस्ट. यस, मतलब वो स्टोरी सुन के है, सिचुएशन सुन के लिखेगा. अगर आप उसको एक अजीब सा सिचुएशन दोगे और आपकी स्टोरी में दमी नहीं है, इंस्पायरिंग ही नहीं है, आप कहां से लाके दोगे गाना? वेरी ट्रू. तो जैसे स्टोरियों में रिलेशनशिप वीक हो गए, गानों में रिलेशनशिप वीक हो गए. जब स्टोरियों में पहाड़ों से आप घर के अंदर आ गए, तो कहां से वो राइटर लिखेगा यू नो जैसे वो गाना है उसका बालिका बधू का, कितने अच्छे लगते हैं ये नदिया, ये रहना तो. और तुम देखो गाने में देयर इज अ रेफरेंसेस ऑफ द नेचर, क्योंकि वो गाना बाहर पिक्चराइज किया गया है. वो गांव से वो लड़की छोड़ के जा रही है अपने मायके, वो बाहर बैठा है उसको मिस कर रहा है. तो वहां से आप आ गए हो घर के अंदर, या आप डिस्को के अंदर आ गए हो, या आप एक एक क्लब क्लब के अंदर आ गए हो, तो क्लब के अंदर वो कहां से वो कहेगा लड़की को कि यार बड़े अच्छे लगते हैं. एग्जैक्टली. ये धरती, ये रहना और तुम, ये नदिया. नदिया तो है ही नहीं भाई क्लब में. नदिया तो है ही, वहां तो दारू की नदियां बह रही है. पहाड़ों में तो जब आप पहाड़ से कहानियों को घर के अंदर ले आए हो, क्लब के अंदर ले आए हो, तो फिर गाना कहाँ से आएगा आपको? बालिका वधू का या अमर प्रेम का, चिंगारी कोई बढ़ के, या कुछ तो लोग कहेंगे, या बाली उमर को सलाम, यू नो, बिकॉज वो गाना है बाली उमर के समान, बिकॉज वो शी इज जस्ट फॉलन इन लव, शी इज जस्ट टर्न एन एडल्ट, सो एंड शी, उनका लव इतना इनोसेंट है, मतलब वो एक दूसरे को टच भी नहीं करते. किस तो बहुत दूर की बात है यार. यहाँ तो तुम्हारी स्टोरी शुरू हो रही है किस से, तो कहाँ से वो आपको गाना देगा बाली उमर को सलाम? वो तो बाली रही नहीं, वो तो 16 साल की उम्र में, 30 साल की हो गई है. Before she turns 18, she turns 30. True. And the hero, before he turns 18, he turns 30. They are having sex before marriage. So how is he going to give, which lyricist will give you a song? Pali Umar ko salam. Pyar teri pehli nazar ko salam. So. वो सारा वो meaning ही चीजों का खत्म हो जाता है. Meaning मतलब. The lyricist was responding to a certain quality of life, a certain tenderness. Absolutely. Tenderness in relationships, tenderness in falling in love. There was no exposure. Women did not know what love is till they met a man. Yeah. Today, because of my phone, I have access to sex, I have access to porn, I have access to love, all kinds of things on my palm of my hand. So, kahan rahi meri innocence? Innocence, very true. Before I meet a girl, I know her entire biology. Absolutely. Back in the day when these songs were written, a girl and a boy came to know each other biology by and large only after marriage. Absolutely. What is a woman all about and what is a man all about? We have to live together. Yeah, so I come to know by watching videos. So where is my innocence? My innocence has been stolen. Innocence is gone. Ended, at the age of 13, 14, I have become 18. At 18, I have become 30. At 30, I have become 60. Absolutely. How am I going to give you that song? No, possible ring. But I think till the time, like especially if I say 1995, in Dilwale Dhaniya Le Jayenge, till even that time, I think as a father was also active, then that quality was still there, especially if we say the DDLJ songs. I would say then perhaps the songs, because the stories are there. Story is there. Oh, yes. You cannot give credit to Anand Bakshi or to Majru or to Sahir without giving credit to the director and the story writer. Bilkul. I discussed once with my friend that DDLJ is one of the most successful movies of Indian cinema. I think sabne dekhi hai.
आप अगर स्टोरी पे ध्यान दें तो स्टोरी में एक चीज थी कि इट्स अबाउट अ वेरी ओवर प्रोटेक्टिव फादर एंड द डॉटर हैज टू टेक परमिशन कि मैं यूरोप घूमने जा रही हूँ एंड ही डिसाइडेड हर मैरिज टू टेक प्लेस विद द सन ऑफ हिज फ्रेंड एंड ऑल. नाउ दैट थिंग वॉज देयर इन द मूवी बट आई थिंक आई वॉज अ किड देन बट स्टिल आई थिंक इट्स 30 years or so. किसी ने ये नहीं कहा कि उसमें पेट्रियार्की दिखाई थी या शायद वो उस एंगल से देखा हो कि अ वुमेन कुड नॉट मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड ऑल. पीपल टुक द मूवी एज एज अ मूवी. तो शायद कहीं ना कहीं वो वैल्यू सिस्टम जो था उसमें बहुत ज्यादा सी चेंज आया. वही जैसा आपने कहा अगर वो स्टोरी ही नहीं है तो वो गाने भी नहीं आ सकते. बिकॉज आज अगर ऐसी मूवी बन या आज अगर ऐसी मूवी बनती तो शायद लोग इस बात पे ज्यादा फोकस करते कि व्हाई शी कैन नॉट टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन, व्हाई हर फादर शुड यू नो बी फिल्म दोस्त वुड दे नेवर हैव हैव इट्स वर्क्ड ओन टुडे, मेरिट्स. या कांट आई वर्क. मीन इट कांट वर्क. आई मीन इट्स नॉट दैट वुमेन शुड बी सब्जुगेटेड, आई मीन नॉट एट ऑल, बट परहैप्स हमारा देखने का नजरिया वो हो गया, So फिर we have evolved कंट्रोवर्सी ज्यादा ढूंढने लगे. as a society. We have evolved, and naturally the stories will evolve. So there is Stories will Avastin evolve. Nair. Avastin Nair is from Kuwait, and she's a teenager, and she's a mind-blowing singer. Avastin Oh, Nair is great. here. Oh, nice. She's a very good singer. ग्रेट. अच्छा आप एक चीज बताइए, आप आपके फादर को मतलब Bookworm, the आपसे bookworm. Who's the bookworm? Very interesting name. he's किताबी one of कीड़ा. my followers. Yeah, he's one of my followers. हमें हमेशा कहते थे कॉलेज में, साला किताबी कीड़ा यार, बहुत पढ़ता है. So, आपके फादर ने इतने गाने लिखे, आई अंडरस्टैंड कि एक चूज करना तो बहुत मुश्किल है, बट आपके फादर का अपना फेवरेट गाना कौन सा है और आपको अपने फादर आई का थिंक सबसे हिज अच्छा फेवरेट लगता है? सॉन्ग वॉज चिंगारी कोई भड़के, क्योंकि चिंगारी का. चिंगारी कोई भड़के वॉज सेल्फ एक्सप्रेशन. इट वॉज नेवर रिटन फॉर द फिल्म. वो शक्ति एब्सोल्युटली. सामंत को वो पोइट्री पोएम पसंद आ गई, तो उन्होंने उसको गाना बना के फिल्म में डाल दिया. बट तो क्या होता है, हर एक इंसान में कोई चीजें ऐसी होती हैं जो वो जिंदगी भर उससे लड़ता है. देर आर सम हैबिट्स यू फॉर्म आइदर बिकॉज ऑफ योर बर्थ, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी, और बिकॉज ऑफ योर सफरिंग्स, योर द एक्सपीरियंसेस यू हैव इन लाइफ. यू गेट सर्टेन फोबियाज, समथिंग, सम फियर्स, सम शॉर्टकमिंग्स. तो बख्शीश आपको काफी थे, जैसे कि उनको एक पान की आदत पड़ गई थी, पान खाने की, सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी. फिर उनको ही कुड नॉट गो इन द लिफ्ट, यूज टू ऑलवेज वॉक, हमेशा वॉक करके जाते थे, थर्ड सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर वॉक करके. ही कुड नॉट गो बाई प्लेन, ही वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ गोइंग इन अ प्लेन. बट थ्रू आउट इज लाइफ ही ट्राई टू गेट ओवर दीज हैबिट्स, बट ही कुड नॉट. इट वॉज अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल. तो ही ट्रू. ऑलवेज से कि दी ओनली पर्सन हू हैज गिवन मी मोर ट्रबल, आई हैव नेवर मेट ही टू से, जो किताब में भी है, आपने किताब पढ़ी है, कि आई हैव नेवर मेट अ पर्सन हू हैज गिवन मी मोर ट्रबल देन माई सेल्फ, सेल्फ यू ट्रू. नो, बिकॉज ही न्यू दीज हैबिट्स आर बैड. He knew राइट. that he should get over this feeling that, you know, another thing, phobia he had was of being alone, because he was राइट abandoned because of partition, whatever राइट horrors he faced during partition, you know, seeing all these killings, the rape of women, leaving your home, running away, you know. So all that left a psychological impact on his mind as a child. You were 17 years old. ट्रू ट्रू. So that's what the psychologist told him, was that your fear of being alone Yes. in a room or in a home is because of your what you experienced during partition. In the You partition, right. felt you got a psychological hurt. You were psychologically hurt that you will be left alone. Your family will run away, or you'll be left behind, or you will get lost in the crowd, you know. So that has put this fear in your mind of being alone. So whenever you should be at home, one of us had to be home, either me or my brother or my sister Right. or my mother. Somebody has to be home. He could not be home alone. He had his fear कि नहीं, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा. राइट. तो चिंगारी कोई भड़के, सावन उसे बुझाए, दैट सॉन्ग इज अ सेल्फ एक्सप्रेशन के अगर मैं खुद का दुश्मन हूं तो मुझे कौन बचा सकता है. एग्जैक्टली. इफ आई के नॉट गिव अप, दिस डॉक्टर इज टेलिंग मी दिस इज अ बैड हैबिट, राइट. डॉक्टर इज टेलिंग मी दीज आर नॉट गुड थिंग्स, स्मोकिंग, हैविंग पान, तंबाकू वाला पान, दिस फियर ऑफ बींग अलोन, फियर ऑफ ट्रेवलिंग इन अ लिफ्ट, फियर ऑफ गोइंग इन अ प्लेन, दीज आर गेट ओवर इट, गेट ओवर इट, गेट ओवर इट, बट नॉट एबल टू गेट ओवर इट लाइफ लॉन्ग. सो दैट्स हाउ ही रोट द सॉन्ग, के अगर मैं ही अपना दुश्मन हूं तो दुश्मन क्या कर सकता है मुझे, मैं तो खुद का दुश्मन हूं. बिल्कुल.
True. A dushman is harmless for me because I am my own enemy. I'm not able to give up these bad habits. So a lot of songs sometimes are self-expression and they are not meant for a film, but then a director Yes. says ke nahi yaar ye mere film mein main fit kar dunga isko. तो बख्शी साहब बोल रहे हैं लेकिन तेरी करी तो कहानी मैंने सुनी है अमर प्रेम की, उसमें तो सिचुएशन ही नहीं है ऐसी, ये गाना वेस्ट हो जाएगा, फिट ही नहीं आएगा. तो इसे नहीं, मैं सिचुएशन बनाऊंगा, मुझे गाना पसंद है. तो उन्होंने सिचुएशन बनाया उस गाने को फिट करने के लिए. राइट. अ गुड डायरेक्टर विल नेवर लेट गो ऑफ अ गुड सॉन्ग एंड अ गुड पोएम. हां, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. स्पेशली हमारे सिनेमा में तो म्यूजिक और लिरिक्स का बहुत बड़ा रोल. आई थिंक यू राइटली मेंशन दैट इन अ 150 minute movie the lyricist is contributing to about 45 minutes or so, because so this six, was seven, not this was not this yeah. was not my words, these are the words of Subhash Ghai. Subhash Ghai told me, and it is very true, hamari film mein 50% to lyricist likhta hai bhai, lyricist likhta hai. I said how, he explained to me ki meri film ke gaano ka minute ki tu gin, kitne minute ke gaane hai aur screen play kitne minute ka hai tum dekhna, gaane is almost equal to the amount that running time of the film, very of the dialogue part, the dialogue part. True, very true. Once again, I think this was something which is Subhash ji mentioned, is I would say this often overlooked, kyunki movie ko kai baar hero heroine se zyada jodte hain, but this is one part which is definitely overlooked, and it's great that you mentioned. So yeah. One last question before I open it for the audience. So aapke apne father ke sath the life he lived, ek sabse koi स्पेशल या खास मूवमेंट या कोई खास डे आपने जो स्पेंड किया, कोई एक ऐसी खास चीज आप बताना चाहते हो जो आपको हमेशा याद रहेगी? दिस इज लाइक आस्किंग, आई डोंट नो, इट्स अ वेरी इट्स अ इट्स अ इट्स सच अ बिकॉज़ यू नो अ मेमोरी मेमोरीज यू नो आवर मेमोरीज आर वेरी सिलेक्टिव. ट्रू. सर्टेन मेमोरीज कम टू यू इन सर्टेन मूड. You know, when you're in a nostalgic mood, you'll get a nostalgic memory. When you're in a happy mood, you'll get a happy memory. When you're missing somebody, you'll get a sad memory. So, this question, if you ask me this question 365 days from today, every day, I'll give you 365 different answers. Right. If you ask me the same question every single day at 9 p.m. every night, depending on my experiences of that day, what mood I'm in at 9 p.m. when you call me at night, every night, I'll give you a different memory. Right. Anyways, so since this program is for other people, not for us, it's not for you and me, it's for other people, right, who have joined us. Right. And yes, we must first say thank you to all of these people for giving us their very, very precious time. Because hum kabhi kam paisa kafi logon ko de dete hain, kisi ko kuch daan kar diya, ya kabhi kisi ko kuch loan de diya, ya kisi ko सैलरी दे दी, लेकिन हम वक्त बहुत कम लोगों को देते हैं, क्योंकि वक्त, पैसा तो हम कमा लेते हैं, वक्त हम कमा नहीं सकते, एक बार गया तो निकल गया, हमेशा के लिए चला जाता है वो. तो फर्स्ट थैंक यू टू ऑल द पीपल हु हैव जॉइंड अस एंड गिवन अस देयर वेरी प्रेशियस टाइम. एंड देयर आर सो मेनी मेमोरीज. आई मीन इफ आई थिंक ऑफ अ मेमोरी एज अ चाइल्ड, सो आई थिंक इट इज वेरी एंडियरिंग दैट व्हेन आई वाज टू स्लीप एट नाइट, आई विश टू स्लीप, हम तो सो जाते थे 9 बजे, 8, 8:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे. But we were small, we were tiny toddlers. And my dad used to come home very late from work. Recording chalti hai, kabhi 2 baj jate hain, kabhi 1 baj jata hai, 12 baj jate hain. Okay. So he used to come home at night and he used to see us asleep. So he used to come and he used to pat my head. So when he used to pat my head, I used to get up. So when I would get up, he would feel, arey maine utha diya isko, you know, so he would go away. So then I realized that if I get up, he goes away. But I didn't want him to go away. So when when he would come and he would pat me, I would wake up, but I would keep my eyes shut and I was to pretend that I am sleeping, because I did not want his hand to leave my head. I wanted that touch. Right. क्या होता ना कि जो माँ होती ना, I'm talking about my generation. Today's moms are working. Many of them are working. Many of them are homemakers. Many of them are working. So today's children may not get to see their mothers as often as we saw our mothers. Yeah, true. My generation. So माँ तो हमेशा होती है घर पे. School छोड़ देती थी, school चली आती थी, tiffin ले आती थी दोपहर को, school हमारा पास में था.
You know, she used to cook food for us sometime when our cook was on leave or whatever. So we got a lot of our mother, na. Yes. Dads, our generation, dads were always out because they had Ah, to, true. because he was the first generation who had to own a home, Right. own his own home, own his own car, put us into school, you know. So he's out all the time working. So my generation, we got very little time with our fathers. Right. Though my mother is dear to me, but my father is superior to my mother. Because, why? In memory. As a child, I love her more than I love my dad. Right. But when you're talking about missing someone, you miss what you get less in life. Absolutely. जो आप में जो चीज आपको कम मिलेगी वो ज्यादा आपको ज्यादा प्यारी होगी. प्यारी तो जो हमें वक्त कम मिला हमारे पिताजी के साथ, मुझे सिर्फ नहीं, आई थिंक माय एंटायर जनरेशन, आप डैड्स हार्डली गॉट टाइम टू स्पेंड विद अस. दैट्स व्हेन आवर किड्स आर बॉर्न देन दे स्पॉइल दोस चिल्ड्रन, देयर पोता पोतीस, बिकॉज नाउ दे आर सेटल्ड, बैंक बैलेंस बन गया है, सेविंग्स हो गई है, गोल्ड खरीद लिया है, घर खरीद लिया है, गाड़ी खरीद लिए, बच्चे सेटल हो गए हैं. सो देन दे हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू पोर द लव आउट विच दे कुड नॉट गिव देयर चिल्ड्रन, बिकॉज दे वर सो Absolutely. बिजी रनिंग अराउंड ट्राइंग टू बिल्ड अ फैमिली, ट्राइंग टू बाय इंश्योरेंस, ट्राइंग टू बाय अ कार, ट्राइंग टू बाय अ होम, दैट दिस दे डिडंट गेट टाइम टू स्पेंड विद अस. सो व्हेन आई इंटरव्यूड डायरेक्टर, मैंने जो किताब लिखी डायरेक्टर्स डायरीज, आई इंटरव्यूड Right. टॉप फिल्म मेकर्स ऑफ इंडिया एंड आई आस्क्ड ऑल ऑफ देम दिस क्वेश्चन. एवरी सिंगल डायरेक्टर आई आस्क्ड देम दिस क्वेश्चन, उस वो किताब में भी है कि बोथ योर पेरेंट्स मस्ट हैव लव्ड यू इक्वली, बट हु डू यू मिस मोस्ट टुडे? एंड मेनी पीपल टोल्ड मी दैट दे लव द मदर द मोस्ट, बट लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द मेन आई इंटरव्यूड व्हेन दे स्पोक अबाउट द फादर, they cried, they did not Cried. cry when they spoke about the mother. And it took me a Absolutely. long time to realize why they cried speaking about their father, because they got the least amount of time with their father. No, इसलिए जब डैडी के no. बात की तो वो रोते थे, इंक्लूडिंग True. आई मीन आई डोंट टेक नेम्स नाउ, बट मोस्ट ऑफ द मेन आई इंटरव्यूड व्हेन दे स्पोक अबाउट द फादर दे क्राइड, व्हेन दे स्पोक अबाउट द मदर ऑफ कोर्स दे लव्ड द मदर इक्वली, बट I still wonder why is he crying talking about his dad. True, true. Then I realized when I put it into my own perspective, I realized that it's because I got the less time to spend with my father because he was all the time out working. The Definitely. I think little that's time he got every day was is so precious to us right. that those memories are stronger than the memories with our mother because mother was taken for granted. She was hey na, Exactly. hey Right. yaar, kahan jayegi yaar, to Exactly. hamesha idhar hi hai. In So, the rear. the brain is always trying to compensate. Compensate. So, because it's getting less of your dad, it is retaining those memories like cement. Very true. हाँ कि मेमोरीज आई गई बिकॉज इतनी बार आ रही है जा रही है हमारी कॉन्शियसनेस में, द ब्रेन इज इग्नोरिंग हर, बट द ब्रेन Absolutely. इज स्टार्व्ड ऑफ द फादर फेस, फादर फिगर. Yeah. सो That's it. It is selfishly holding on to those memories. That's the reason why these guys, they cried. A lot of them cried talking about their dad, but not when they talked about their mom, though they loved their mom more than their dad. Because the mom was naturally the bigger contributor, because in that generation of directors I interviewed, the mother was always around, mostly, Oh, that's always enough. around to bring the children up True. because they were homemakers primarily. As we discussed at the beginning, जो चीज आपने नहीं आपको मिली होती है, आप उसको ही इवेंचुअली ज्यादा वैल्यू करते हो, क्योंकि वो नहीं जो है, जो कम जो मिलती है. कम मिलती है. That's very true. I think that was great interacting with you. Let me check if you have any questions. All those who are watching, please, if you have any questions for Rakesh ji, please write it in the comment box. I will take it up. There are quite a few comments. This is from A Giver. Just a reminder, Rakesh ji, Bakshi Saab's written songs which are not released, please bring it back, sir. They're coming next year. They're being published by Penguin India in a book called मैं जादू हूँ मैं जादू हूँ मैं चल जाऊंगा. इट्स कमिंग Oh, नेक्स्ट ईयर wonderful. इन द मंथ ऑफ मार्च. Oh, that's great. So, 2024 March, wonderful. Just few months from now. Great.
दिस इज ओके, दिस नॉट अ क्वेश्चन. म्यूज ऑफ म्यूजिक्स डिवाइन ऑल्सो सर्व एक्सप्रेस लेस टू आर फादर्स. वी ऑफन शेयर आर मदर्स विद लव, बट विद फादर देयर इज अ बिट हेजिटेशन. अनएक्सप्रेस्ड लव फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स. या एब्सोल्युटली वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और देर लॉट ऑफ कॉमेंट्स एक्चुअली. दिस इज फ्रॉम म्यूजिक जो है, अगेन बख्शी साहब यादें सॉन्ग. दुनिया में हम सारे यादों के हैं, मारे कुछ खुशियां थोड़े गम ये हमसे उनसे हम. सो म्यूजिक डिवाइन संगीता यादव, शी रिटन अ बुक ऑन बख्शी साहब, हैंड रिटन बुक, एंड शी टोल्ड मी आई एम आई रिटन एन एंटायर बुक ऑन बख्शी साहब बाय हैंड एंड आई वांट टू गिफ्ट इट टू यू. सो आई सेड यू नो मोस्ट वेलकम. अंकित साहू, बिल्कुल आपने आपने क्या सवाल पूछा? यू आर सेइंग व्हाई यू आर नॉट रिप्लाईंग टू मी. आई डोंट नो व्हिच व्हाट इज द क्वेश्चन बिकॉज़ देयर आर सो मेनी कमेंट्स. या व्हाट इज टू योर मेनी क्वेश्चन? कमेंट्स एक्चुअली. अंकित साहू, लेट मी चेक. Anybody here is a poet or a lyricist? ओके अंकित साहू, व्हाई आर नॉट ओके. आई थिंक रिटन सम वेरी अर्ली, टू मेनी अभय कमेंट्स इन वकील बिटवीन. माय एक्टर फ्रेंड, इज एन एक्टर, इज मूवीज कमिंग आउट नेक्स्ट ईयर. बख्शी साहब लुकिंग गुड, यस. अभय वकील द हीरो ऑफ माय ग्रुप. सो अंकित ओ जी अगेन फ्री वन. दिव्या मिश्रा इज अ फैबुलस सिंगर. ओ ग्रेट, आनंद बख्श. She's from Himachal and she's released a song. It's on YouTube. You should look her up. Ritesh Barrett is the music man, my music man from Kenya, Nairobi. Oh, ओके, वंडरफुल. अंकित जी, सॉरी आई कुडंट सी योर क्वेश्चन. इट इज यू रोट इन प्रेज ऑफ आनंद जी, योर फादर इज लेजेंड, आनंद बख्शी जी इज लेजेंड. आई एम सॉरी बट आई कुडंट फाइंड द क्वेश्चन. तो मे बी जस्ट वॉन्ट यू टू एक्नोलेज यू द प्रेज ही हैड फॉर योर फादर. दैट सो राकेश जोशी अगेन, सभी सिचुएशंस पर गाने लिखने वाले एक ही शख्स से, और वो है बख्शी साहब. आई आई कंप्लीटली एग्री. इनफैक्ट आई विल टेल यू वन थिंग, राम करे ऐसा हो जाए. वाज व्हेन आई वाज अ किड, आई गेस आई डोंट नो वेयर आई हर्ड दिस सॉन्ग. व्हेन आई यू नो स्टार्टेड लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग, सो दिस वाज द सॉन्ग व्हिच यू कैन से यू नो क्रिएटेड माय इंटरेस्ट इन ऑल हिंदी म्यूजिक. इट वाह, वाज हिज सॉन्ग, राम करे. आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव लिसन टू दिस सॉन्ग ऑन यूट्यूब एज वेल, बट दैट वॉज वन ऑफ द फ्यू सॉन्ग्स विच क्रिएटेड दिस इंटरेस्ट फॉर यू नो ओल्ड हिंदी म्यूजिक. दैट टाइम वॉज नॉट मच इन टू द ओल्ड सॉन्ग्स. मुझे लगता था वो बूढ़े लोग सुनते हैं, आजकल इट्स डिफरेंट. बट दैट वॉज द सॉन्ग विच अनडाउटली वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स एवर. वाह. ऑसम, आई थिंक ओके यू कवर्ड दिस. कूल, आई थिंक दिस इज इट देन सर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. इट वॉज अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू. एंड टू ऑल द ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. इट वॉज ग्रेट हैविंग यू ऑल ऑफ यूर. एंड इफ एनी ऑफ यू हैज नॉट रेड द बुक, माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज रीड दिस बुक. दिस इज नॉट ओनली अ मेमोयर, अ सन्स ट्रिब्यूट टू हिज फादर, बट दिस इज ऑल्सो अ बुक विच शोज वॉट अ पर्सन कैन अचीव इफ ही डिसाइड्स टू यू नो गो फॉर इट, बीटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स. सो बख्शी जी इज I think लाइफ, it's आई a वुड book. से I think it's a या book for anybody who has a dream. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, Anybody who's got a goal in life, and एब्सोल्युटली, you know, and is focused, and एब्सोल्युटली. anybody who's got a dream and a goal, ambition, I think that person will benefit a lot from this book. And irrespective of what field you are in, because Absolutely. it's just how a person can just continuously, persistently, consistently against all odds just keep that goal in mind, irrespective of what the world says, irrespective of what your relatives think of you, irrespective of what your father tells you, get out, don't come back again if you fail, irrespective of what circumstances you face in that new environment that you go to, whether it's whichever city you go to or village you go to for your ambition goal, just irrespective of whatever happens, you True. don't lose focus of your goal. I mean, Absolutely. that is what I think really is commendable. I mean, I won't say that, oh, it's the songs, and but I think that journey to those songs is what is commendable. Absolutely. And so just one on as we leave, just one thing. It was my foolish mistake. I did not bring the book that day, but whenever you are in Delhi, I would love to get this book signed from you.
So whenever we get a chance to meet again, I would definitely like to have your sign on this book. श्योर, थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. Thank you बुक everyone for वाले watching. भैया, Thank you, sir. कीप कीप गाइडिंग अस ऑल विद सम ग्रेट रिकमेंडेशंस. I will. Thank you so much. बी अ गुड भैया टू ऑल ऑफ अस. Absolutely. Thank you so much. थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट. Thank you. Bye-bye.